आ गए, जो एक बहुत बेहतरीन एक एक्टर है। अभी उनकी एक पिक्चर भी आ रही है, बहुत जबरदस्त, उसमें ही माना जा रहा है उनकी एक्टिंग भी है। अमिताभ बच्चन भी उसमें है, शमिताभ उस पिक्चर का नाम है। उनके आने से ही जो माहौल है और जो टीम की परफॉर्मेंस है वो अलग स्तर पे चली गई। आज भी देखिए काफ़ी सपोर्ट है चेन्नई राइनोज के लिए, के ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ पे हैं पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए। मुझे उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहाँ पे एक सादारीपन पे कि शानू अभी भी आए हैं बैटिंग करने के लिए, मात्र दो पे हैं। विक्रांत एक बार फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कल स्टार रहे थे विक्रांत, जिस प्रकार की अब पारी खेली थी उन्होंने सेमीफाइनल में। विक्रांत है स्ट्राइक पर, पुल किया है, देखना है वहां पर फील होता है या नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा चूके थे डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर, लेकिन रोका एक ही रन केवल, बहुत अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया, अब रघु के स्थान पे अब जो टीम ओनर है सचिन जोशी, अब वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पूरी टूर्नामेंट में बढ़िया कार्य किया। पर यहाँ पे फील्डर भी बढ़िया कार्य करते हो, जैसे आपने कहा बाद में अपने आप को संभाला और बड़ी चीज़ गेंद को अंदर धकेला। जब भी आप जो स्कर्टिंग है, जो फेंस है उसके बहुत करीब रहते, कभी भी आसान रहता नहीं, अपना संतुलन बना के रखा। पहले जी एंड से आते हुए बाएं हाथ के अब स्लो गेंदबाज सचिन जोशी, पर एक बड़ी छाप छोड़ी है इस टूर्नामेंट में उन्होंने, अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन में भी मैंने उन्हें देखा था खेलते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, शौकीन है। और ये मेरे ख्याल से एक नाजुक घड़ी है इस मैच की, 8 ओवर निकल गए हैं, 43 पर 2, यहाँ पर एक विकेट गिरती है तो चेन्नई राइनोज बहुत मुश्किल में आ सकती है, लेकिन यहाँ से अगर पार्टनरशिप बनती है तो फिर बैलेंस चेंज हो जाएगा। यह सचिन जोशी का आप जिक्र कर रहे थे कि आप बढ़िया एक खिलाड़ी हैं, हरफन वाला खिलाड़ी हैं, 6 विकेट भी ले चुके हैं, पर सबसे बड़ी बात है इस सीजन है आज बल्ले के साथ बहुत बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया स्टार्ट दिए हैं। प्रिंस कल भी प्रिंस की तरह ने बल्लेबाजी की, पर ये जोड़ी है, सलामी जोड़ी है सचिन जोशी की और प्रिंस की, ये बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि किस लेवल पे खेले हुए हैं सचिन जोशी। ये है देखिए बैटिंग एवरेज, क्या जबरदस्त आंकड़े हैं, 63 का एवरेज, ये बहुत अच्छा टर्न कर दिया है, देखना है कि रोक पाते हैं या नहीं, और मेसी की तरह फुटबॉल खेलते हुए वहां पर अच्छा सेव, 2 रन बचाए वहां पर। जी हाँ, अंत में अगर आप देखें तो पैर से जरूर रोका, बहुत बढ़िया पैडल किया था, बहुत लेट खेला और काफी फाइन गेंद गई थी अंत में, जैसे आज कह रहे थे जिया थोड़ा फुटबॉल खेली और कहने के गेंद को अंदर धकेला, पर काफी वक्त था 2 रन लेने का। बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ पे, इतना आसानी इसको धकेलना, अच्छी वेरिएशन ला रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, और लूप है उनके लेफ्ट आर्म स्पिन में, ये देखें बॉलिंग, ये बैटिंग एवरेज, और वाइड गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, ये है इनके आंकड़े, 63 है बैटिंग एवरेज और 15 से थोड़ा सा ही ज्यादा बॉलिंग एवरेज, 6 विकेट भी लिए है, 189 रन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। या कमाल के ऑलराउंडर हैं और हमेशा उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, अंतिम गेंद पे 1 रन और आता हुआ, 9 ओवर की समाप्ति, 48 पे 2 चेन्नई राइनोज़।